उच्चे मुकाम ते पहुंच के भी प्यो पुत नूं नहीं भुलिया अपना जद्दी पिंड। पंचायत नाल मिलके कर रहे पिंड दा विकास। शहर दी चमक तमक अक्सर लोकां नूं अपने वल खिंचदी है अते अपना पिछोकड़ भुलण दे लई मजबूर करती है, पर कुछ विरले लोक अजिहे भी हुंदे ने जिहड़े अपनियां जड़ां नूं कदे नहीं भुलदे। अजिही एक वड्डी मिसाल हन साबका डीआईजी हरिंदर सिंह चहल अते उहनां दा फिल्मी अदाकार पुत्र गुलजार इंदर सिंह चहल, जिन्हां ने बुलंदियां ते पहुंच के कदे भी अपने जद्दी पिंड नथेहा नूं नहीं भुलिया। तलवंडी साबो नेड़ले पिंड नथेहा दे जंपल गुलजार इंदर सिंह चहल हमेशा अपने पिंड दे विकास लई यतनशील रहिंदे हन अते पिंड वासी भी उहनां दी इस कोशिश की शलांघा करते हैं। कई लोग शहर दी हवा च गुम जांदे हन अते पिंड नूं भुल जांदे हन, पर इत्थे अजिहे प्यो पुत भी हन जो बुलंदियां ते पहुंच के भी पिंड नाल जुड़े हुए हन। असी गल कर रहे हां जंपल साबका डीआईजी हरिंदर सिंह चहल ते उहनां दे फिल्मी अदाकार पुत्र गुलजार इंदर सिंह चहल दी, जो भावें वड्डे वड्डे मुकाम हासिल कर चुके हन पर फिर भी पिंड दा ख्याल रखदे हन। वड्डे मुकाम हासिल करन तो बाद भी दोवें प्यो पुत ने जद्दी पिंड दे विच पहुंच के ना सिर्फ पिंड अते पिंड वासियां दा हाल जाणिया सगों पंचायत नाल मिलके भी पिंड दा विकास करन दा भी बेड़ा चुकिया है। चहल ने दावा कीता है कि पिंड विच कोई भी मकान कच्चा नहीं रहन दिता जावेगा, नाल ही जो भी पिंड दे विच विकास दे काम रुके हुए ने उहनां नूं ओह खुद पूरा करवाउणगे। देखो अज जिहड़ी सारे पिंड नूं इकट्ठा करके कच्चे घर हले भी सदी कच्चे घर पे हले भी गलियां नालियां चल रही बहुत दुख हुंदा। कई बार पिंड वाले हुंदा भी आ सड़क नहीं बनी आ नहीं बनिया आ नहीं बनिया अपने गुरु घर बनाए जे कुछ भी किया चाहे यादगारी गेट बनाए शहीद यही गल चंगे बंद कर अगली पीढ़ी नूं शौक उठदा। पिंड दे विच जो कच्चे घर हन उहनां नूं भी पक्का बनाया जाएगा ते पिंड दे विच खेड स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इन्ना ही नहीं सगों पिंड दे विच 25 बिस्तरियां वाला सरकारी हस्पताल भी बनाया जाएगा, जिस लई हर एक पिंड दे वासी दा सहयोग देना अति जरूरी है। इस मौके पिंड दी नवी बनी सरपंच राज राणी समेत पिंड दे मोहतवरा ने साबका डीआईजी अते अदाकार पुत दा धन्नवाद कीता अते हरेक काम विच सहयोग देण दा भरोसा भी दिता। जी रोड मैप सारी पंचायत ने बनाउणा है, सारा नगर निवासियां ने बनाउणा है। पंचायत दे मेंबर आए सी, कुछ मोहतवर बंदे आए सी पिंड दे, कुछ डिमांडां सीगियां वी आ चीजां करन वालियां ने जो मेरी पर्सनल कैपेसिटी दे विच क्योंकि कंपनियां चला रहे हैं साडे विच सीएसआर फंड हुंदे ने दोस्त मित्र ने कारोबारी ने उन्हां दा सहयोग लेके जो जो पिंड दे कामकार हो सकणगे जिहड़े असीं उह करांगे। हर चीज आपां सरकार तों मंगी जाइए उह भी ठीक नहीं हुंदी। समाज दे विच जिहड़े वर्ग दे विच अगे लंघ रहे ने लोक जिन्हां नूं परमात्मा ने बख्शिश कीती है उन्हां नूं इकट्ठे होके सरकार दा भी सहयोग देना चाहीदा। उसे लड़ी दे विच मैं आपदे पिंड दी पंचायत दे नगर निवासियां दे जो काम कर ने डेवलपमेंट दे असीं उह विटांगे। जिथे सरकारे दरबारे जाण दी लोड़ पऊ असीं उत्थे जाके उहनां नूं भी बेनती करांगे आपदियां एप्लीकेशनां देवांगे। पर कई काम हैगे जिहड़े मैनूं लगदा असीं समूह नगर निवासी ते असीं दोस्त मित्र इकट्ठे होके कर लांगे। अज तुसीं लोकां नाल भी मिले मौजूद है की लगदा तुहानूं सब तों पहलां जिहड़े किहड़े काम है जिहड़े लोकां नूं ज्यादा जरूरी ने किहड़े करवा रहे? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਫਲੈਟਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
50-60 लोग ने जिहड़े कच्चे घरां च ने। तो मेरा मन बहुत दुखी होया इस गल ते। सब तो पहला जिहड़ा काम विढ़िया सी असीं, मैं सरपंच साहब नूं कहा इस गल नूं कि सब तो पहला जिहड़ा अपने घर दे विच, अपने पिंड दे विच, साडा घर है साडा पिंड, इत्थे अगले साल दे विच कोई भी बेघर नहीं रहूगा। इहदी व्यवस्थाबंदी करनगे इह, जो एक नक्शा बनावांगे असीं, जिन्ने भी कच्चे घर वाले ने असीं सारे सहयोग नाल इकट्ठे हो के, मेरे वल्लों सहयोग नाल असीं उह घर पूरे करांगे। बाकी 10-12 होर चीज़ां ने, कोई हस्पताल दी है असीं उह हैल्थ डिपार्टमेंट नाल टेकअप करांगे, कोई रोड है PWD दी साडे डेरे तक जाण वाली उहनूं असीं पूरी करांगे, वाटर वर्क्स दा प्रॉब्लम है, सीवरेज दी प्रॉब्लम है, जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां असीं इक इक करके लामबंद हो के असीं इहनूं पूरियां करांगे। आह रोड मैप मैनूं सरपंच साहब ने ते पंचायत मैंबरां ने दस्सिया सी, उह इहनां दी छड्डी है। असीं हर महीने असीं इक मीटिंग कराया करांगे ताकि अगले 2-3 महीनियां च असीं जिहड़े कम्म कर असीं शुरू कर सकीए। लोकां नूं सर, लोकां वल्लों हुंगारा किस तरह मिलिया ते की लोकां नूं मैसेज की सवाल है देणा चाहुंदे? लोकां वल्लों हमेशा ही हुंगारा मिलिया है, मेरे दादे पुरखां दी मेरी साडा पिंड है, इह हमेशा ही प्यार करदे ने। मैं अज वी इही अपील कीती है सारिआं नूं, कल्ला बंदा कुछ नहीं हुंदा, सारे जणे सहयोग दिओगे तां आपां पिंड नूं अपने स्वर्ग बना लांगे। रिसोर्सिस की कोई कमी नहीं आऊ, कोई पैसे टके की नहीं कमी आऊ, जिथे जिथे आपां नूं किते वी जाके कुछ करना पऊ आपां करांगे। बस आपां इकट्ठे हो के लामबंद हो के इक प्लैन करके एग्जीक्यूशन करिए, ते जिथे पैसा टका लगे साडा उह साडा इमानदारी नाल लोकां दी नज़र च लगे वी हाँ जी इन्ने इन्ने पैसे सी आह जगह कम ते लग गए, मुकम्मल हो गया, उदू बाद उहदी सांभ संभाल हो गई। उह सारी असीं बैठ के व्यवस्थाबंदी कीती है। अजे तां सरपंच साहब हुण अज हजे ताजे ताजे हजे बणे ने, इन्हां नूं वी आपदियां कुर्सियां ते बैठणगे जदों सारे विचार वटांदरा करनगे। मैं तो इन्नी बेनती की है कि अज हुण दी पंचायत, पिछले सबका जिहड़े मैंबर ने सरपंच ने, पिछले यूथ नूं लेडीज़ नूं सारिआं नाल लैके चलना, ते इक सरपंच साहब वधिया लिस्ट बना लईए कोई, आप इकट्ठे बैठ के विचार कर लेंगे। इह जे 5-7 कमेटियां बनाउणियां पैणियां आपां नूं, उह जिहा कम करांगे असीं अग्गे हो के। ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।